नमस्ते साथियों, कक्षा पाँचवीं और आठवीं की अनंतिम अंक सूचियाँ अर्थात प्रोविजनल मार्कशीट्स rskmp.in वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं। आप अपने स्वयं के मोबाइल के माध्यम से वेबसाइट को विजिट करते हुए अपने विद्यार्थियों की अंक सूचियों का अवलोकन कर सकते हैं और यह भी जांच कर सकते हैं कि आपने पूर्व में त्रुटि सुधार के लिए जो जानकारियां प्रेषित की थी, क्या उस आधार पर अंक सूचियों में त्रुटि सुधार हो पाया है। तो साथियों, इसके लिए आपको वेबसाइट को विजिट करना होगा। विजिट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि अपनी यूनिक आईडी, अपनी जन्म तिथि को पासवर्ड के रूप में और कैप्चा कोड का प्रयोग करते हुए लॉगिन हो जाना है। तो साथियों, चलिए मैं सबसे पहले लॉगिन हो जाता हूँ, इसके पश्चात आगे की जानकारी मैं दूंगा। तो साथियों, अब आप देख पा रहे हैं मैंने अपनी यूनिक आईडी, पासवर्ड अर्थात अपनी जन्म तिथि और कैप्चा कोड को फुलफिल कर लिया है। हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हुए लॉगिन हो जाते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉगिन होने से पहले आपको जो ऊपर थ्री डॉट्स दिखाई गई हैं, थ्री डॉट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन पर क्लिक करते हुए आपको डेस्कटॉप साइड मोड पर अपने मोबाइल को कर लेना है, ठीक है। इसके पश्चात आपको लॉगिन हो जाना है। चलिए मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो साथियों, लॉगिन होने के पश्चात इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब हमको मार्कशीट्स का अवलोकन करना है। इसके लिए जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करते हुए साथियों आपको प्रोविजनल मार्कशीट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर साथियों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड भरा हुआ मिलेगा। आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है। यदि आपके विद्यालय में दोनों कक्षाएं हैं तो बारी बारी से दोनों कक्षाओं को सेलेक्ट करते हुए विद्यार्थियों की अनुसूचियों का अवलोकन कर सकते हैं। चलिए मैं कक्षा पाँचवीं को सेलेक्ट करके शो पर क्लिक कर देता हूँ। साथियों, शो पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो पहले विद्यार्थी की अंक सूची यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पहले विद्यार्थी की अंक सूची यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नियंत्रक मूल्यांकन राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर हो चुके हैं, साथ में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के भी हस्ताक्षर हो चुके हैं और प्रधान अध्यापक यानी संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर के यहाँ पर नहीं हुए हैं। और जब हमको अंक सूचियाँ प्राप्त हो जाएंगी तो हम यहाँ पर अपने स्वयं की सील और हस्ताक्षर करते हुए विद्यार्थियों को ये जो अंक सूचियाँ हैं प्रेषित कर देंगे। साथियों, ये अनंतिम अंक सूचियाँ हैं, अर्थात ये अंक सूचियाँ ऐसी हैं कि अभी यानी को मतलब कि फाइनल अंक सूचियाँ हैं। इस प्रकार की अंक सूची विद्यार्थियों को प्राप्त होंगी। यदि यहाँ पर अभी भी किसी प्रकार की त्रुटि है, ठीक है, आप अवलोकन करें, देखें कि क्या विद्यार्थियों का नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, जो अंक वगैरह हैं, ये सब सही हैं या नहीं हैं, और यह सब कुछ सही है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मान लो कहीं त्रुटि पाई जाती है साथियों, तो आप अपने सम्मानीय विकासखंड स्रोत समन्वय महोदय से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, ये मैंने आपको बताया पहली अंक सूची के बारे में। अब आपको दूसरी अंक सूची देखना है तो उसके लिए आपको जो एरो का चिन्ह दिखाया गया है, इस एरो के चिन्ह पर क्लिक करना है। और आप इस क्लिक करेंगे साथियों तो दूसरे विद्यार्थी की अंक सूची यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। इसी तरह से आपको तीसरे विद्यार्थी की देखना है तो फिर आप क्लिक करते जाइए, तीसरे विद्यार्थी की अंक सूची आप देख सकते हैं। इसको आप करेंगे, आप देखते जाएंगे। इसी तरह साथियों, चौथे विद्यार्थी की है ना, पाँचवें विद्यार्थी की, तो आप अलग अलग विद्यार्थियों के अंक सूचियों का अवलोकन कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या त्रुटि सुधार सही हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फाइनल रूप से आप अपने विद्यार्थियों की अंक सूचियों को देख सकते हैं। चलिए साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल के ऊपर अपने समस्त विद्यार्थियों की अंक सूचियों का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो PDF का ऑप्शन आ जाएगा। साथियों, यदि आपने पहले यदि डाउनलोड कर लिया है तो डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आएगा, और यदि आप पहली बार यदि डाउनलोड कर रहे हैं तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे समस्त विद्यार्थियों की अंक सूचियाँ हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी। चलिए मैं PDF पर कैप्चा पर क्लिक करता हूँ और देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड अगेन का। क्योंकि मैंने पहले भी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए यह ऑप्शन आ रहा है। और साथ ही यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है कि डू यू वांट टू डाउनलोड प्रोविजनल मार्कशीट्स, ये दिया हुआ है। तो हम डाउनलोड अगेन पर क्लिक कर देंगे तो ये समस्त जो अंक सूचियाँ हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी। और देखिएगा यहाँ पर ये अनंतिम अंक सूची के रूप में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, प्रोविजनल मार्कशीट। यानी इस तरह की जो अंक सूचियाँ हैं हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त होंगी। आप समस्त विद्यार्थियों की अंक सूचियों का अवलोकन करें, देखें कि समस्त विद्यार्थियों की अंक सूचियों में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, ठीक है। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप अपने विकासखंड स्रोत समन्वयक महोदय से संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से मैंने बताया, देखिएगा ये आपको सारी अंक सूचियों के बारे में ये डाउनलोड हो चुकी हैं PDF ग्रुप में। आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर पर ये समस्त अंक सूचियाँ डाउनलोड हो चुकी होंगी। और अब आप किसी प्रिंटर की सहायता से USB केबल का प्रयोग करते हुए प्रिंट भी करा सकते हैं। या साथियों, आप चाहें तो सीधे अपने मोबाइल
को ही USB केबल से प्रिंटर से कनेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये आप साइड में देख पा रहे हैं। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे साथ ही तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन है? प्रिंट वेल क्रिएट अ प्रिंटर फ्रेंडली PDF वर्जन ऑफ योर रिपोर्ट। यहाँ पर पेज साइज दिया गया है, ये A4 साइज है। ठीक है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग साइज दिए हुए हैं साथियों। फिर आपको जो पेज का साइज है ना, उसके बारे में भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। ठीक है, और यदि आपका मोबाइल कनेक्ट है प्रिंटर से तो आप प्रिंट के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो साथियों प्रिंट आपकी विद्यार्थी की अनुसूची हो जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो में यह जानकारी आप तक प्रेषित करने का मैंने प्रयास किया है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।